देवास जिले की डबल चौकी पुलिस फरियादियों द्वारा सूखदोर से प्रताड़ित होकर एसपी चंद्रशेखर सोलंकी को लिखित आवेदन कर आरोपी सूखोर तेजपाल पिता टीकाराम दांगे के खिलाफ क्षेत्र के सैकड़ों लोग को 20-30% ब्याज लेने के बाद गिरवी रखे जमीन प्लॉट के दस्तावेजों में धोखेबाजी करते हुए अपने नाम करने व जान से मारने की धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर एसपी के निर्देशन में मामले की जांच कर सीएल दौरे डबल चौकी पुलिस द्वारा आरोपी सूदखोर तेजपाल खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी चंद्रशेखर सोलंकी, एएसपी जगदीश डावर, सीएसपी अनिल सिंह राठौर के मार्गदर्शन में डबल चौकी प्रभारी सलीम खान व टीम की सफल कार्रवाई की गई है। सूदखोरी का मामला भी आया, पहले भी झारे वाले को लेकर सूदखोरी का मामला आया था, अभी एक और मामला है डबल चौकी का, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कल दिनांक 17 को पुलिस अधीक्षक महोदय को डबल चौकी सारोल गांव के निवासी हैं इब्राहिम और भागीरथ पप्पू, इन लोगों ने एक शिकायत की है कि डबल चौकी का ही रहने वाला तेजपाल सिंह पिता टीकाराम सूद का काम करता है, ब्याज से पैसे देता है और 15-20% ब्याज लगाता है और धोखे से जो है लोगों से रजिस्ट्री रखवा लेता है, गिरवी का काम भी करता है और उन्होंने भी उससे पैसे लिए थे, एक ने 50,000 रुपये, एक ने 25,000 रुपये और एक ने 30,000 रुपये, उनकी भी रजिस्ट्री उसने धोखे से रख ली है और रजिस्ट्री मांगने पर गाली गलौज करता है, गुंडागर्दी करता है, इस तरह की शिकायत उन्होंने लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय को की थी, जिसकी जांच के निर्देश और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे और सीएसपी देवास श्री अनिल सिंह राठौर को दी थी। हमने वहाँ पे जांच कराई और मामला सही पाया गया, जिस पर से तेजपाल सिंह पिता टीकाराम के विरुद्ध डबल चौकी में 468, 471, 420, 506, 294 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और कल ही तेजपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, अपराध विवेचना में है, आगे की कार्रवाई की जा रही है, कुछ रजिस्ट्रियां, कुछ कोरे कागज पे साइन उसके मिले हैं, उस संबंध में भी हम विस्तृत रूप से जांच कर रहे हैं। जिले में ऑपरेशन वज्र पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें इस तरह का जो अवैध व्यवसाय कर रहे हैं, बगैर लाइसेंस के ब्याज पे पैसा लोगों को दे रहे हैं और ज़्यादा ब्याज वसूल कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ देवास पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। उसी एक कड़ी में ये डबल चौकी की भी कार्रवाई हुई है। जब लोगों को इस बात का पता चल रहा है कि देवास पुलिस सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, गुंडे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कठोर कार्रवाई कर रही है, तो लोग सामने आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं और पुलिस ऐसे प्रकरणों में तत्परता से कार्रवाई कर रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।